आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स केमिस्ट्री फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट का सफाया बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ डाउनलोड नाउ Hi everyone. I hope you are all doing great. A light ladder rests on the rough floor of a room, leaning against the smooth wall. The ladder touches the wall at a height h above the floor. The man climbs up the ladder until the base of the lad ladder is on the verge of slipping. Right. Verge of slipping. The coefficient of the static friction, static friction between the foot of the ladder and the floor is mu. What is the horizontal distance moved by the man? Solve the body if the ladder is uniform and has the same mass as the weight of the man and the base of the ladder is at distance L from the wall. तो इन्होंने जो पहले बोला है ना हम लोग तुरंत इसको बना लेते हैं ये हमारा आ, दिस थिंग राइट ये हमारा जो है ये वॉल हो गई ठीक है ये बेस हो गया इसका कोपिशन इन्होंने कितना दे रखा है म्यू तो यहाँ म्यू से रिप्रेजेंट कर देते हैं ये स्मूद है तो यहाँ पर इक्वल टू जीरो रिप्रेजेंट कर देते हैं हम लोग एंड जस्ट इसको फिक्स कर देते हैं ठीक क्योंकि भाई ना वॉल मूव करेगी ना 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 हमारी फ्लोर मूव करेगी और फिर इन्होंने क्या बोला है आ, लैडर है चलिए लैडर ही बना देते हैं हम लोग ये हुआ हम लोग का लैडर ठीक है अच्छा ये हाइट इन्होंने कितनी दे रखी है यहाँ से यहाँ तक की ये हाइट इन्होंने दे रखी है एच ठीक ये हाइट इन्होंने नहीं दे रखी है अच्छा चलिए मतलब ये हाइट दे ही रखी एक तरीके से कह दीजिए एल क्योंकि दूसरे पार्ट में सोचा दूसरे पार्ट में पहले पार्ट में बनाते थे बात एक ही है ठीक है अच्छा अब सबसे पहले का क्या मैं एफ बी बनाई है इसकी भैया इसमें नॉर्मल रिएक्शन कितने लग रहे हैं एक नॉर्मल रिएक्शन ये लग रहा है दैट इज़ एन वन और ये एक नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है दैट इज़ एन टू सपो अब इन्होंने बोला कि मैन चढ़ रहा है चलिए हम लोग मैन को चढ़ा देते तुरंत चढ़ाएंगे हम लोग इनके बोलने का इंतजार भी नहीं करेंगे और हम लोग मैन चढ़ा देते हैं सपोज़ मैन चढ़ के यहाँ कहीं पहुँचा ठीक है ये मैन हंस नहीं रहा है क्या ये हंस रहा है ठीक है ये चढ़ा और इसका जो एम है वो कुछ ऐसे लग रहा होगा कलर फीके पड़ जाते हैं कभी कभी ये इसका जो है एम ऐसे लग रहा होगा ठीक है ये एम लग रहा होगा इसका राइट अच्छा अब इसमें आप देखिए अप्रोच देखिए कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग तो देखिए अब आ, 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 ग्रीन कलर से मैं दिखाता हूँ जब ये मूव करेगी तो ये जो पार्ट है ना ये जो मैं ग्रीन से कर रहा हूँ ये ऐसे आएगा और ये जो पार्ट है ये ऐसे जाएगा ठीक इसकी वेलोसिटी कुछ ऐसे होगी मतलब ग्रीन से इनकी वेलोसिटी प्रेजेंट कर दी है मैंने अच्छा अब जो है क्या होगा फ्रिक्शन जो है इसको इस तरफ से रोकेगा फ्रिक्शन का फोर्स जो लगेगा वो एफ आर यू लगेगा ठीक अब हम लोग बात करते हैं इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन ऐसे कौन सेंटर के अबाउट ये जो है हमारी रॉड मूव करेगी अच्छा इंस्टेंटेनियस सेंटर हमारा क्या होगा कोई ऐसा है इस दुनिया में इस दुनिया में कोई ऐसा एक पॉइंट होगा जिस जिसको हाँ भाई हमको तो ये रॉड चलती भी दिख रही है और घूमती भी दिख रही है क्योंकि भाई हम तो धरती पे बैठ के देख रहे हैं बेसिकली हम लोग यहाँ बैठ के देख रहे हैं ये देखिए बट कोई ऐसा जो पॉइंट uh, होगा इस धरती पे जहाँ पर ये जो है रॉड हम लोग को प्योर रोटेशन करते दिखेगी और वो पॉइंट कैसे निकालेंगे सिंपल हम लोग को क्या करना है जिस वेलोसिटी से परपेंडिकुलर डालना है भाई तुरंत डालेंगे ये देखिए ग्रीन वेलोसिटी ये वाली है एन वन की तरफ से इस पर तुरंत डाला परपेंडिकुलर हम लोग ने ये डाला परपेंडिकुलर। ग्रीन कलर की विलासिटी ये भी है ये डाला हम लोग ने परपेंडिकुलर। डाल दिया परपेंडिकुलर, और जहाँ ये मीट कर रहे हैं ये हमारा पॉइंट हो जाएगा ओ डैश जहाँ से ये हमारी रॉड जो है ये मूव करेगी ओमेगा से और ये होगा हमारा प्योर रोटेशन बहुत बढ़िया कंसेप्ट है जब आप इसको अपने इंजीनियरिंग में अगर जो अगर आप इंजीनियरिंग आगे चल के लेंगे और जब आप थ्योरी ऑफ मशीन्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा कि ये पॉइंट कैसे निकालते हैं यहाँ तो एक रॉड है यहाँ पर तो एक चीज़ है वहाँ पर तो लाइक दस बारह मकैनिज़म होगी दस बारह लिंक्स लगे होंगे ये रॉड एक ही लिंक माना जाएगा यहाँ पर तब यू विल लाइक फॉल इन लव विट सो इसका यही है अच्छा ये ऐसा क्यों करते हैं क्योंकि जब हम लोग को पता है ना जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कल में घूमता है तो जो उसकी रेडियस और जो उसका मतलब जो उसकी सेंटर से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस और उसकी वेलोसिटी के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री इसलिए हम लोगों ने 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाला है इसमें हम लोगों ने ठीक है आपको बात समझ में आ गई होगी अच्छा तो बस हम लोग को ये मिल गया अब क्या करना है बस कुछ नहीं टॉर्क बैलेंस लगा दें इसमें जब हम लोग कहते हैं वर्ज है तो वर्ज मतलब ये है कि स्लिप ना कर पाए और जब स्लिप ना कर पाए तो सिंपल सी बात है कि जो ये एम है ना एम का टॉर्क ये है अच्छा एम जी कहाँ पर है ये हमारा बंदा इतना चला है जो ये ये जो ये जो भाई साहब खड़े हैं ना ये ऊपर इतना चले हैं ये एक्स चले होंगे ठीक है ये एक्स चले हैं ठीक है? है। तो भैया एम का टॉर्क कितना हो जाएगा भाई टॉर्क नेट टॉर्क अबाउट जो है ओ डैश हम लोग का जीरो जाना चाहिए सिंपल तो एम का टॉर्क कैसा है एम का टॉर्क हमारा क्लॉक है क्लॉक वाइस है एम जी का टॉर्क हमारा क्लॉक वाइज है और और कौन सा फोर्स दिखाई दे रहा है भाई नॉर्मल रिएक्शन तो कोई टॉर्क जनरेट करेंगी नहीं क्योंकि उनकी जो लाइन ऑफ एक्शन है वो डैश से पास हो रही है तो उनको तो भूल जाइए अब हमारा क्या बचा भाई यहाँ पर तो इस जगह तो कोई फ्रिक्शन है नहीं इस जगह पर कोई फ्रिक्शन तो है नहीं मतलब इसकी वॉल पे तो उसको भी भूल जाते हैं अब हमारा फ्रिक्शन तो भैया फ्रिक्शन फ्रिक्शन का टॉर्क कितना आ रहा है एफ आर इन टू एच भैया देख लीजिए फ्रिक्शन का जो फोर्स है ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है ये देखिए मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ ये रंग कम बढ़ जाते हैं अच्छा ये रंग बिरंगा कलर एक पेन है मेरे पास इससे करते हैं ये ये जो फ्रिक्शन का फोर्स है इससे डिस्टेंस देख लीजिए कितनी है एच तो है ये तो कलर ये तो पेन तो ऐसा खतरनाक पेन है कि अपने आप रंग बदलता रहता है अच्छा ठीक है तो ये जो है आ, हो गया ओके सो ये एच हो गया ठीक अच्छा अब आप कहेंगे फ्रिक्शन क्या होगा अब बहुत आसान है फ्रिक्शन हमारा कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे सोचिए बहुत सिंपल है कुछ नहीं नेट फोर्स इन वाई डायरेक्शन और नेट फोर्स इन एक डायरेक्शन जीरो कर दीजिए एन वन जीरो ही होगा क्योंकि एम एन वन कोई तुम्हारा कोई वो कुछ कर ही नहीं रहा है एन वन के अपोजिट के फोर्स लग ही नहीं रहा है एन टू ऊपर की तरफ है और एम जी नीचे की तरफ है तो भैया एन टू की वैल्यू एम जी के बराबर होगी और फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होती है फ्रिक्शन इज इक्वल टू म्यू इन टू एन टू भाई म्यू इन टू नॉर्मल रिएक्शन उस पॉइंट पर तो क्या होगा म्यू इंटू एम जी सो बस कुछ नहीं सिंपल से आप लोग वैल्यू पुट कर दीजिए एम जी इन टू एक्स और एफ आर कितना होगा हमारा एफ आर विल बी एफ आर विल बी म्यू एम जी एच ठीक तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी एम से एम कैंसिल म्यू जी एच अपॉन जी अरे भाई जी से जू कैंसिल हो जाएगा तो एक्स की एक्स की वैल्यू कितनी होगी एक्स की वैल्यू हो जाएगी म्यू इन टू एच ठीक पहले पार्ट का आंसर ये आ गया अब दूसरा पार्ट क्या कहता है हम लोग जल्दी करेंगे दूसरा पार्ट क्या कहता है कि भैया सेम सब कुछ वही करना है बस आपको इस बार लैडर का भी मास ले लेना है तो कुछ नहीं करना बिल्कुल चुप कुछ नहीं करना है बस लैडर का मास ले लेना और लैडर का मास हम लोग कहाँ दिखाना है उसके सेंटर ऑफ मास पे अच्छा कोई चीज़ यूनिफॉर्म है और उस अगर उसकी लेंथ एल है या कुछ भी लेंथ है या लैडर का लेंथ तो दे नहीं रखी है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ पर होगा बताइए बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा उसका सेंटर ऑफ मास होगा उसकी मिड पॉइंट पर इस बार मैं ऑरेंज कलर से लैडर बनाता हूँ सब कुछ ऑरेंज कलर से ठीक है तो एन वन एन टू था ही, ये है हमारा एन टू था हाँ ये एन टू था ये एन वन था ठीक है और ये हमारा एफ आर था ये हमारा एच था और इन्होंने कहा कि ये एल ले लीजिए ठीक ये एल ले लिया अब ये देखिए लैडर का जो लैडर का जो होगा ये होगा एम जी और ये हमारे छोटू उस्ताद हैं छोटू उस्ताद हमारे यहाँ हैं कहीं और ये छोटू उस्ताद जैसे चढ़ेंगे तो इनका जो एम लगेगा वो कुछ ऐसा लगेगा बस कुछ नहीं करना है बिल्कुल कुछ नहीं करना है हम लोग को ये डाला है इसमें से परपेंडिकुलर ये डाला है की तरफ पर पेंडिकुलर यहाँ से ये घूमेंगे भाई साहब बस इसी के इस पॉइंट ओ डैश के अबाउट टॉर्क बैलेंस कर देते हैं तो इसकी एम जी के डिस्टेंस फिर से हम लोग कितनी मान लेते हैं चलिए ही मान लेते हैं ठीक है और इसकी डिस्टेंस हम लोग को पता है एम जी की तभी तो उन्होंने एल दिया है अब कैसे पता है दिखाते हैं कैसे पता है आपको ये 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 यहाँ कुछ होगा ठीक अच्छा तो सपोज लैडर की लेंथ है लेट लेंथ ऑफ लैडर बी जेड देर फोर जेड कॉस थीटा ये थीटा यहाँ मान लीजिए जेड कॉस थीटा इज इक्वल टू एल एंड जेड साइन थीटा इज इक्वल टू इज इक्वल टू एच ठीक है तो अब इस दोनों को ऐड कर देंगे जेड स्क्वेयर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज नथिंग बट एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर अरे यार फायदा कर रही ये तो तो जेड की वैल्यू कितनी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ एल स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ठीक तो जेड बाई टू कहाँ होगा जेड बाय टू हमारा अब मैं आपको जेड बाई टू दिखाना पड़ेगा फिर से हम लोग एक खतरनाक पेन उठाएंगे और जेड बाई टू को दिखाते हैं ये देखिए ये हमारा है जेड बाय टू जेड बाय टू जहाँ पर सेंटर ऑफ मास होगा रॉड का तो जेड बाई टू कितना हो जाएगा जेड बाई टू हमारा हो जाएगा एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायेर बस खत्म टॉर्क बैलेंस करिए फटाफट एम जी का टॉर्क कैसा लग रहा है क्लॉक वाइज का टॉर्क कैसा लग रहा है क्लॉक वाइज और फ्रिक्शन का टॉर्क कैसा लग रहा है एंटी क्लॉक वाइज ठीक खतरनाक ये ये हो गया ऐसे और ये 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 हाँ तो ये हो गया एफ आर एफ आर का टॉर्क कैसा लग रहा है इन टू एच एच ही लग रहा है और वो ये एंटी क्लॉक वाइज है तो एंटी क्लॉक किसको बैलेंस करेगा क्लॉक वाइज को तो एम जी का टॉर्क कैसा लगा एम जी का टॉर्क लग रहा है हमारा जो ये एम जी कौन सा है ये हमारा भाई साहब वाला एम जी है जो जो छोटू सा साथ चढ़े थे ठीक है और और ये 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 एम जी कौन सा है ये एम जी कुछ नहीं है जेड बाई टू वाला एम जी है ठीक है तो एफ आर इन एच इज इक्वल टू एम जी एक्स प्लस एम जी अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर अच्छा याद रखिएगा एन टू वही रहेगा अच्छा एन टू क्या वही रहेगा बिल्कुल नहीं रहेगा भाई देखिए एन टू क्या होगा कुछ नहीं करना है सिंपल वही करना है फ्रिक्शन फोर्स एक्स फोर्स वाई को ज़ीरो पुट करना है तो एन वन की वैल्यू तो जीरो ही हो जाएगी ठीक है और जो हमारी एन टू की वैल्यू होगी वो होगी एम जी प्लस एम जी दैट टू एम जी ठीक एन वन की एन टू वैल्यू कितनी हो जाएगी टू एम जी तो बस तुरंत वैल्यू पुट करते हैं हम लोग इसमें मेरे पास ब्लू पेन नहीं है क्या है ये तो हम लोग तुरंत वैल्यू पुट करते हैं म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन म्यू इन टू म्यू इन नॉर्मल रिएक्शन तो म्यू म्यू इंटू एन टू एन टू वैल्यू कितनी है टू एम जी इंटू एच इज इक्वल टू एम जी एक्स प्लस एम जी अंडर रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस एल स्क्वायेर एम जी एम जी एम जी निपट गया भाई तो बच्चा टू म्यू एच थोड़ा सा इसकी जरा वो कर दें थोड़ा डार्क चला दें ऐसा लग रहा है कि रेफल खत्म हो गई है आ, ये हो गया हमारा टू म्यू एच इज़ इक्वल टू एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर सो ये हो जाएगा टू म्यू एच माइनस ऑफ अंडर रूट ऑफ एच स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर एज x की वैल्यू आ जाएगी सो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा सब द द बेटर मोस्ट पॉइंट इन दिस होल क्वेश्चन ऐसे किसी भी क्वेश्चन में जो आप सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट होगा वो बस ये आई सी आर इंस्टेंटेनियस सेंटर ऑफ रोटेशन सो थैंक यू क्लास सिक्स टू टाइम लेकर नीट आई आई टी जी मेन्स और एडवांस के लेवल तक दस मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा आज ही डाउनलोड करें डाउट नटअप या व्हाट्सअप कीजिए अपने डाउट्स आठ चार सौ चार सौ चार सौ पर